सर्दी जुकाम हो या कफ से हो परेशान, इस्तेमाल कीजिए इस खास चीज को जो बचाए आपकी बॉडी में होने वाली हर परेशानी से। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसका सेवन आपकी बॉडी में होने वाली कई सारी परेशानियों को दूर रखता है, साथ ही आपकी किडनी को भी ठीक रखने में मदद करता है। इस औषधि में एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर सहित कई ऐसे गुण हैं जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका सेवन आपको उन सारी परेशानियों से दूर रखता है जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये औषधि आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण होती है। ये एक झाड़ीदार पौधा है जिसमें सफेद रंग के फूल होते हैं। इसको प्राकृतिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार इसके पेड़ की जड़, पत्ते और फूल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये आपको बॉडी में होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से बचाते हैं। आइए अब इसका नाम जान लेते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर इस जड़ी बूटी का नाम है अडूसा। इसका शायद नाम भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा, और जब नाम ही नहीं सुना तो इसके फायदे भी आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसके फायदे भी जान लेते हैं। अडूसा आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे आप न सिर्फ डायबिटीज के खतरे से दूर रहते हैं बल्कि इससे आपकी किडनी भी ठीक रहती है। तो जिन्हें डायबिटीज नहीं है ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ब्लड शुगर बढ़ना आपकी किडनी के लिए हानिकारक होता है। बॉडी में आई सूजन को दूर करने के लिए अडूसा एक अच्छा विकल्प है। आपको बता दें कि अगर आपकी बॉडी में सूजन का पता नहीं है कि वो किस वजह से आई है, तो पहले आप बॉडी में सूजन के लिए डॉक्टर से जांच करवा लें, क्योंकि बॉडी में सूजन का एक कारण किडनी में खराबी भी होता है। जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें अडूसा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अडूसा में इतने सारे गुण मौजूद होते हैं जो आपकी डैमेज किडनी के काम में प्रभाव डालते हैं। इसका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत से भी दूर रखता है। लिवर को दुरुस्त रखने के लिए अडूसा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में कोई दिक्कत हो गई है तो इसके लिए आप अडूसा के पत्तों का लेप बनाकर अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। ध्यान रहे, अडूसा का सेवन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर किसी को फूड एलर्जीज हैं तो उन्हें अडूसा का सेवन नहीं करना है। अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित है तो उन्हें इसका सेवन नहीं करना है। अडूसा कितनी मात्रा में लेना है ये व्यक्ति की उम्र और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें डॉक्टर या किसी जानकार से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए। सबसे जरूरी, किडनी के मरीजों को इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की तकलीफों से भी दूर रहते हैं। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूं और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका इंद्रप्रकाश सिंह। कहाँ से आते हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद में कहाँ से? फूल रेगिस्तान है। फूल जी सर। जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? बहुत दिक्कत सर थी, चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, भूख नहीं लग रही थी, उल्टी हो रही थी। ठीक है, तो डायलिसिस वगैरह करा रहे थे तब आप? जी जी, हफ्ते में दो करा रहे थे सर। कहाँ से कराते थे डायलिसिस? जी मेदांता से। मेदांता जी। अभी कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन? हम आपके 2 महीने हुआ सर। 2 महीने जी। अभी डायलिसिस करा रहे हैं? 15 दिन में करा रहे हैं सर। जब आए थे तब कितनी बारी करा रहे थे? हफ्ते में 2 दिन करा रहे थे। तब क्रिएटिनिन कितना था आपका जब आप हफ्ते में 2 दिन कराते थे? 6-7-8 निकल जाता सर। 6-7-8 जी। और अभी जब आप 15 दिन में करा रहे हो तब आपको कितना आ रहा है? 5.4-5.7 इस तरह। तो अभी मेदांता में डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया है? बताया कि 6 ऊपर जाए तो कराइएगा, वरना मत कराइएगा। तो बॉडी में अभी कोई आपको दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिट लग रहा है जी? डायलिसिस की जरूरत लग रही है? ना सर, नहीं लग रही। Thank you.
जी।